आ गई मेरे बहुत का तमाशा देखने, अब बिना लाइक सब्सक्राइब दबाए चले जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। Hey everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are doing good. I'm also fine here. Simply greet you by saying, hey everyone, welcome back to another vlog. देखो ऐसे एक्टिंग तो मेरे से होएगी नहीं, बस सच्चा स्टेज पे करा लेना एक्टिंग, बट ऐसे व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई कैन बी नॉर्मल इन द व्लॉग। सो यार मैं सोच रहा था कि जब वो कल का जिन्होंने व्लॉग देखा होगा कि उसमें मैं दिखा होगा कि चोर पकड़ लिया था, तो मैं घर जाके रात को मैं रियलाइज़ कर रहा था कि भाई क्या बेचारी क्या मजबूरी होगी क्योंकि उसने चोरी करी होगी। तो साथ ही साथ जब ऐसा कुछ चोरी वाला सीन होता है ना, तो यहाँ का उस समय क्या माहौल होता है, तो मैं वो आपको शो करने की ट्राई करता हूँ। कि जब पहली बार तो चोर भाग जाता है, भागने अगर वो बाई चांस पकड़ा जाता है ना, उसके पकड़ने के तो तुरंत बाद वो तो निकालता है एनेस्थी से अपनी जेब में से और लगाता है फच, लगा के सारा शरीर सुन करके बैठ जाता है, क्योंकि तो उसे पता है भाई अब तो बहुत गंदा पी लेगा, वो तो खाता रहता है, सुन करके बैठता है, मार लो। फिर उसके बाद जब पकड़ता कौन है चोर को, ये मेन होता है, एक आता है डेयरिंग आदमी पकड़ता है, ऐसे कर करके पकड़ लेगा उसको और वो नहीं छोड़ता उसको जब तक पुलिस नहीं आती, हाँ भाई चोरी क्यों करी थी, और पता नहीं वो तो कितने सालों को भुक्का होता है, पता नहीं क्यों उसके इतने गेयर अटके हुए होते हैं, वो तो इतना मारता है भाई साहब उसको, वो तो जोर रेस देता है, मारता रहता है, हाँ भाई चोरी करेगा, छपा छप, वो नहीं रुकता। कुछ लोग तो आते रहते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, दो दो तीन तीन की टुकड़ियों में आते हैं, वो तो मार मार के बेचारे जाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता, वो तो मारता रहता है। तो इस सब के बीच जब भीड़ इकट्ठी होती है, जो कुछ लोगों का काम होता है बस वो बस जो हवा का जो रुख होता है उसका फ्लो होता है वो रोकने के लिए खड़े होते हैं बस, हाँ भाई क्या हो गया, बस वो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद आता है एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो मतलब थोड़ा एजुकेटेड होता है, वो निकालता फोन 100। हेलो, हाँ जी सर, यहाँ पे ना 4 सेक्टर के मोड़ पे जो जिम खाना वाली रोड है ना, वहाँ पे हमने एक चोर पकड़ लिया, आप जल्दी आ जाओ, हमने बस पकड़ रखा है। तो उसका ये काम होता है फोन मिला देता है। तो इस सब के बीच में आता है एक हमारे जैसे आदमी जो हमारे जैसे जो शूट करने आते हैं, तो हमारा क्या काम होता है, हे एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे चोर पकड़ लिया है और इसकी ओर ये जम के धुलाई, तो ये सीन होता है जब कोई चोर पकड़ा जाता है। आई होप आपको मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी होगी। भैया से भी पूछ ले, आवाजें मार रहे थे हम। क्या कर रहे इसने भैया? कल ना ये हमने आवाजें मारी साइकिल वहाँ खड़ी करके, लॉक लगा के चल गया अपना, आवाजें मार रहे, कह रहा मैं नहीं अंदा ऐसे कर रहा दूसरे। ये स्पाइक्स किसके नाम की बनाई है आपने आज? बस ऐसे ही है प्रज्वला, स्पाइक्स की बनाई है इसने, क्या होगा दुखी पेपर नहीं अच्छा होगा। अर्जुन बता दो, स्पाइक पे तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई, ऐसे ही बनाया है, तो मेरा नया फैशन है। नया फैशन है? यस। और प्रज्वला कैसी है? बेटा बढ़िया बेटा। ये दांत को क्या हो गया तुम्हारे? बेटा दो दांत टूट गए, बुढ़े हो गए ना, तो बेटा क्या करे, टूट जाते हैं, जवानी में बढ़िया थे, बहुत बुढ़े दोस्त हमारे, पूरी जवानी ऐसे हरी भरी गुजरी हमारी। अच्छा दांत लगवाई दे फिर तुम्हारे? नहीं, कहा है ऐसे मजे आते हैं पान वाली फीलिंग आती है पान। अरे नहीं, तुम सब खाए ना बादाम, खाए ना काजू, खाए ना दांत लगवाए दे? नहीं, ऐसे कहा है, बुरा हो गया ना। नहीं, दांत बढ़िया लगेंगे आपके, अच्छा है, ऐसे मजे आते हैं। कहाँ मजा आते हैं? अरे वो को बार बार ढोना पड़ेगा भाई। एवरीवन मेरा तो टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, और कर लेते हैं साथ ही साथ आज की ज्ञान की बात। सो आज की ज्ञान की बात ये कि जब कोई हमें कोई उल्टा बोलता है तो हमें कितना गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे बोल दिया उसने, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे कैसे बोल सकता है, अब देख। तो मेरा पॉइंट ये कि दैट वाई टू गेट अफेक्टेड सो मच, क्योंकि अगर देखा जाए इंसान ने शब्द तो सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए बनाए थे, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर उस गलत शब्द की जगह कोई हमें बोलेगा कि तू तो बड़ा फ्लावर है, तू तो बड़ा फ्लावर लग रहा है, फ्लावर है, तो हम उसको कहेंगे कि यार तू तो मेरे को बड़ा अच्छा बोल रहा है, थैंक यू। सो क्रक्स ये है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल है और साथ के साथ सिर्फ दिमाग का खेल है, सो इनसे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की ज्ञान की बात यही थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, ओके शाम को मिलते हैं। Oh,
फिर भैया 30 का लगा लो। पैप 25 का मांगा भैया, 30 का लगा लो यार। फिर 60 में ले लो, 50 तो ज़्यादा है। 60 में ले लो। प्लस का रैप सुनो, ठीक है? सुना भाई। पापा बोले बोलो पबजी खेलूंगा, कॉल करके बोलो पबजी खेलूंगा, गर्लफ्रेंड मिले बोलो पबजी खेलूंगा, कॉल करके बोलो पबजी खेलूंगा, कमरे में होगी तो वन प्लस आऊंगा, बैटरी उतरेगी तो छत पर चढ़ जाऊंगा, कॉलेज ट्यूशन में ही पहुंचेंगे जाऊंगा, सबको उड़ा के चिकन डिनर में खाऊंगा। वाह यार गजब।